Hello everyone, welcome to the video lecture series of Mathematics 4. The subject code is KAS302/KAS402. And here we are in lecture number 13 of unit number 3. So in the previous lecture, basically हम लोगों ने start किया था regression analysis और उसके अंदर हम लोगों ने पढ़ा था what is linear regression, regression line क्या होती है, that is y on x and x on y, और वहीं पे हम लोगों ने बहुत important calculation सीखी थी कि regression coefficients कैसे calculate करते हैं, क्या relation है with respect to correlation coefficient. So अगर आपने last lecture नहीं किया है, that is lecture number 12, तो आप उसे कर लें, क्योंकि ये lecture basically last lecture का ही एक फर्दर पार्ट है जिसमें मैं यहाँ पे डिस्कस करने वाला हूँ बेसिकली मोर प्रॉब्लम्स बेस्ड ऑन लीनियर रिग्रेशन. राइट, सो स्ट्रेट फॉरवर्ड अपना लेक्चर स्टार्ट करते हैं ऑन प्रैक्टिस प्रॉब्लम बेस्ड ऑन लीनियर रिग्रेशन. सो फर्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन की यहाँ पे हमने पूछा है वही सेम चीज अगर आपने लास्ट लेक्चर किया है. सो आई होप आप इस क्वेश्चन को यहाँ पे समझ के वीडियो को पॉज करके खुद से अटेम्प्ट करने की कोशिश करेंगे. राइट, क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, द फॉलोइंग टेबल गिव्स एज एक्स इन ईयर्स ऑफ कार एंड एनुअल मेंटेनेंस वाय इन 100 रुपीज. सो दिस इज गिवन एक्स, दैट इज कार एज, एंड दिस इज गिवन वाय, दैट इज एनुअल मेंटेनेंस इन 100 रुपीज. राइट, सो दिस इज 1500, 1800, 2100, 2300 एंड 2200. Now it's saying estimate the maintenance cost for a 4-year-old car after finding the regression equation. Right? So first of all you have to establish the regression equation. और जैसे कि हमने पढ़ा था कि regression equation कौन सी किस पर फाइंड आउट करनी है, क्या मुझे y on x करना है या nx on y करना है, यानी कि maintenance on age करना है या age on maintenance करना है, ये मुझे कैसे पता चलेगा. ये क्वेश्चन में ही आप लोगों को पता चल रहा है कि एस्टिमेट द मेंटेनेंस कॉस्ट फॉर अ 4-year-old कार, यानी कि मुझे कार की वैल्यू गिवन है एंड आई हैव टू कैलकुलेट द मेंटेनेंस कॉस्ट, यानी कि आई वॉन्ट टू कैलकुलेट y ऑन x. When the x is given, then I need to calculate y. So what is my regression equation for this? Y minus y bar is equal to x minus x bar into by of x, right? And for this particular equation, जो मुझे value चाहिए, वो किस किस की value चाहिए? मुझे चाहिए x bar, that is what is the mean. What is the y bar? That is mean of y series. And byx, that is regression coefficient. And if you remember, regression coefficient calculate करने का formula होता है byx is equal to n into summation xy minus summation x summation y n summation x square minus summation x whole square. राइट, यानी कि आपके पास एक डेटा सीरीज गिवन है, एक्स की सीरीज गिवन है, वाई की सीरीज गिवन है. आई कैन कैलकुलेट दिस समेशन एक्स वाई इन टू वाई, आई कैन कैलकुलेट दिस समेशन वाई, आई कैन कैलकुलेट समेशन एक्स, आई कैन कैलकुलेट समेशन एक्स स्क्वायर. बट उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, जी हाँ, इस डेटा को एक टेबुलर फॉर्म में अरेंज कर लेंगे लाइक एक्स एंड वाई, देन इससे मुझे यहाँ पे कैलकुलेट करना होगा एक्स वाई एंड एक्स स्क्वायर. सो जस्ट मेक अ टेबुलर फॉर दिस पर्टिकुलर थिंग लाइक दिस. तो जैसे ही आपने यहाँ टेबुलर फॉर्म किया, उसके बाद आपको सारी समेशन वैल्यूज यहां पे ऑब्टेन हो जाएंगे. राइट, अब ये वैल्यूज की हेल्प से मैं यहां पे byx कैलकुलेट कर सकता हूं. और n क्या है यहां पे, हाउ मेनी डेटा इज गिवन, हाउ मच डेटा इज गिवन, हाउ मेनी ऑब्जर्वेशंस, दैट इज 1, 2, 3, 4, 5. सो n इज बेसिकली 5, वी हैव गिवन द 5 ऑब्जर्वेशन इन अवर डेटा सीरीज. तो n बेसिकली 5 है, तो 5 इंटू समेशन एक्स वाई, समेशन एक्स वाई है यहाँ पे 533 माइनस देन समेशन एक्स इंटू समेशन वाई, यानी कि 25 इंटू 99 डिवाइडेड बाय n एंड अगेन 5, समेशन एक्स स्क्वायर दैट इज 165 माइनस समेशन एक्स होल स्क्वायर दैट इज 25 स्क्वायर. एंड देन वंस यू सॉल्व दिस वैल्यू यू विल गेट 0.95 इज द वैल्यू ऑफ byx. सो byx कैलकुलेट हो गया, बट टू कैलकुलेट अल्टीमेटली दिस इक्वेशन मुझे और भी दो वेरिएबल चाहिए. वो क्या चाहिए, वो चाहिए y बार एंड x बार, दैट इज द मीन वैल्यू. और मीन कैसे कैलकुलेट करते हैं, जी हाँ, समेशन x डिवाइड बाय n, दिस गिव्स मी व्हाट, x बार, एंड समेशन y डिवाइड बाय n, दैट इज अगर मैं 99 को 5 से डिवाइड कर दूंगा देन आई विल गेट y बार, एंड दिस y बार कम्स आउट टू बी 19.8. राइट, अब आपके पास दोनों वैल्यूज आ चुकी हैं, आपको byx भी पता है, आपको y बार x बार सब पता है. नाउ आई कैन स्ट्रेट फॉरवर्ड एस्टैब्लिश द रिलेशन y माइनस 19.8 इज इक्वल टू व्हाट इज byx, byx हमारा आया था दैट इज 0.95 मल्टीप्लाई x माइनस x बार, और x बार भी कितना है, x बार की वैल्यू 25 डिवाइड बाय 5, दैट इज सिंपली 5. राइट, अब इस इक्वेशन को सॉल्व कर लीजिए. जैसे कि हमने पहले ही पढ़ा कि y की टर्म को एक साइड रखना, बिकॉज हमारा डिपेंडेंट वेरिएबल कौन है, हमारा डिपेंडेंट वेरिएबल y है. सो y बिकम्स इक्वल टू 0.95 ऑफ x प्लस 15.05, दैट बिकम्स अवर
इक्वेशन, और आप इस इक्वेशन में डायरेक्टली भी देख सकते हो कि व्हाट इज द एक्स कोफिशियंट। यही एक्स कोफिशियंट बेसिकली मेरा रिग्रेशन कोफिशियंट है, क्योंकि अभी इसके आगे जो मैं आपको क्वेश्चन दिखाऊंगा वहां पे इस टाइप की इक्वेशन अगर हमें गिवन हो तो वहां से भी हम अपना रिग्रेशन कोफिशियंट डायरेक्टली लिखेंगे, व्हाट इज द रिग्रेशन कोफिशियंट, राइट। सो अब इक्वेशन हमारी एस्टेब्लिश हो चुकी है। अब अगर मैं लास्ट पार्ट की तरफ बोलूं, सो दिस इज मेंटेनेंस कॉस्ट हमें कैलकुलेट करनी है फॉर अ फोर ईयर ओल्ड कार। तो जैसे ही आप यहां पे x को 4 पुट करेंगे, x इज इक्वल टू 4, देन वी गेट द वैल्यू ऑफ y, राइट। सो फाइनल वैल्यू अगर आप x को 4 पुट करते हैं, देन y इज इक्वल टू 18.8500 रुपीज, दैट मींस मल्टीप्लाई बाय 100, 18885, राइट। सो ये आपका फाइनल रिजल्ट हो जाएगा, द वैल्यू ऑफ द एनुअल मेंटेनेंस कॉस्ट व्हेन द कार एज इज 4 इयर्स, राइट। सो आपको पूरा क्वेश्चन एक बार गो थ्रू हो गया होगा कि इस टाइप के डेटा सीरीज क्वेश्चन को हम किस तरह से हैंडल करते हैं, कैसे हम अपना रिग्रेशन कोएफिशिएंट कैलकुलेट करते हैं, और देन उसके बाद इक्वेशन एस्टेब्लिश कीजिए, इक्वेशन के बेस पे आप अननोन वैल्यू को प्रेडिक्ट कर सकते हैं, राइट। एक लास्ट टाइप का क्वेश्चन मैं यहाँ पे और रख रहा हूं, एंड दिस इज द क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन, दैट इन अ पार्शियली डिस्ट्रॉयड लेबोरेटरी, राइट, अभी लास्ट टाइप पेपर में आ भी चुका है। सो इन अ पार्शियल डिस्ट्रॉयड लेबोरेटरी रिकॉर्ड ऑफ एन एनालिसिस ऑफ अ कोरिलेशन डेटा, द फॉलोइंग रिजल्ट्स आर एलिजिबल, राइट। सबसे पहला रिजल्ट हमें मिला वेरियंस ऑफ एक्स इज इक्वल टू 9, दैट मींस आई नो सिग्मा एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 9, तो सिग्मा एक्स बिकम बेसिकली 3, राइट, पहली चीज मिल गई। दूसरा कहता है व्हाट आर द रिग्रेशन इक्वेशन, सो दीज आर गिवन एज द रिग्रेशन इक्वेशंस, राइट। सो जो कि मैं अभी बोल रहा था, जब रिग्रेशन इक्वेशन गिवन होती है देन आई कैन फाइंड आउट द रिग्रेशन कोफिशिएंट, राइट। तो अभी हम उसमें बाद में बात करेंगे, अब वन बाय वन देखते हैं कि हमें कैलकुलेट क्या करना है। सो व्हाट वर द फर्स्ट वन इज मीन वैल्यूज ऑफ एक्स एंड वाई, राइट। अब ये यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट थिंग है कि जो हमारी रिग्रेशन इक्वेशंस होती हैं, ठीक है, जो हमारी रिग्रेशन इक्वेशन में पढ़ी है y माइनस वाई बार और x माइनस एक्स बार की टर्म, दोनों ही इक्वेशन हमारी मीन पॉइंट को सेटिस्फाई करती है, मतलब कि वो दोनों इक्वेशन हमारी मीन पॉइंट से पास ऑन होती है, x बार एंड y बार इज ऑन द रिग्रेशन लाइन। तो अगर आपको क्वेश्चन के अंदर इस टाइप से रिग्रेशन इक्वेशन गिवन है और वो आपसे कहता है फाइंड आउट द मीन वैल्यू, सो डायरेक्टली कुछ नहीं करना, सिंस रिग्रेशन इक्वेशन इज ऑलवेज पास विद द मीन वैल्यूज, तो यहां पे केवल इन इक्वेशन में मैं x की जगह क्या पुट करूंगा, x बार, y की जगह क्या मानूंगा, y बार इज इक्वल टू -66, एंड सिमिलरली सेकेंड इक्वेशन हो जाएगी 40 ऑफ x बार -18 ऑफ y बार इज इक्वल टू 214, और इन दोनों इक्वेशंस को, अब आपके पास दो इक्वेशन बन चुकी हैं, इन दोनों इक्वेशंस को विद द हेल्प ऑफ कैलकुलेटर हम सॉल्व कर लेंगे। तो इक्वेशन मोड में जाना है, टू अननोन्स लेने हैं, और जैसे ही आप यहाँ पे कैलकुलेटर सॉल्व करेंगे, यू विल गेट द वैल्यू ऑफ x बार एंड y बार, एंड दैट इज इक्वल टू x बार इज इक्वल टू 13 एंड y बार इज इक्वल टू 17, राइट। सो कैलकुलेटर जरूर अप्लाई कीजिएगा, तभी आप लोग अच्छे से क्वेश्चन को कैच कर पाते हैं, कॉन्फिडेंस बन पाता है। तो ट्राई योर कैलकुलेटर, जस्ट सुनने का काम नहीं करना है, राइट। सो चलिए, हमारा पहला पार्ट सॉल्व हो चुका है, मीन वैल्यूज ऑफ एक्स एंड वाई, वी गॉट दैट। अब आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है व्हाट इज द स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ वाई एंड व्हाट इज द कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन बिटवीन एक्स एंड वाई। सो इफ आई वांट टू कैलकुलेट द कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन, यानी कि आर अगर मुझे कैलकुलेट करना है, सो आई रिक्वायर्ड बी वाई एक्स एंड आई रिक्वायर्ड बी एक्स वाई, तभी इन दोनों का अंडरवुड कर पाऊंगा एंड आई विल गॉट द कोरिलेशन कोएफिशिएंट। तो दैट मींस मुझे दोनों रिग्रेशन कोएफिशिएंट चाहिए, और रिग्रेशन कैसे आएंगे, मुझे पता है यहाँ पे रिग्रेशन इक्वेशन क्या है, तो अगर मैं इस रिग्रेशन इक्वेशन को स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करूं, मतलब y इज इक्वल टू बी वाई एक्स इंटू एक्स प्लस माइनस समथिंग, राइट, प्लस माइनस समथिंग, तो यहां पे ये जो कोफिशियंट बनेगा x का कोफिशियंट, दैट इज कॉल्ड द बी वाई एक्स कोफिशियंट। ऐसे अगर आप x इज इक्वल टू बी एक्स वाई कोफिशियंट में कन्वर्ट करते हो, बी एक्स वाई प्लस वाई इंटू प्लस माइनस समथिंग, तो ये यहां पे आपको मिल जाएगा कोफिशियंट बी एक्स वाई। और यही चीज मैंने अभी आपको लास्ट इक्वेशन यानी लास्ट क्वेश्चन में बताई थी कि जब हमें ये इक्वेशन मिलती है तो इस इक्वेशन के अंदर y इज इक्वल टू 0.95x प्लस माइनस समथिंग है ना, तो इस प्लस माइनस समथिंग को अगर मैं छोड़ दूं तो यहां जो मुझे x का कोफिशियंट मिल रहा है, दिस इज नथिंग बट दिस इज व्हाट, दिस इज बी वाई एक्स रिग्रेशन कोफिशियंट। तो यही चीज हम यहां पे देख रहे हैं कि इस गिवन क्वेश्चन के अंदर अगर मैं इस गिवन क्वेश्चन में इस इक्वेशन को रीअरेंज कर लूं तो मैं अपने रिग्रेशन कोफिशिएंट को ला सकता हूं। बट अब यहां पे कंडीशन है कि आपको कैसे पता चले कि किस इक्वेशन को मैं वाई ऑन एक्स बनाऊं या इसको मैं एक्स ऑन वाई बनाऊं, मतलब कि ये जो फर्स्ट इक्वेशन है यहां पे गिवन है 8x माइनस 10y प्लस 66 इज इक्वल टू 0, तो मैं इस इक्वेशन को ऐसे बनाऊं 8x इज इक्वल टू 10y माइनस 66 एंड x इज इक्वल टू 10 डिवाइड बाय 8y माइनस 66 बाय 8, दिस इज माय वन इक्वेशन। तो ये मैंने क्या माना, दिस इक्वेशन इज x ऑन y, सो आई गॉट सम
व्हाट, ये कोफिशियंट क्या हो जाएगा, ये कोफिशियंट हो जाएगा बी एक्स वाई। सिमिलरली अगर मैं इस इक्वेशन को एक्स ऑन वाई मान रहा हूं तो आप सेकेंड इक्वेशन को जाहिर सी बात है वाई ऑन एक्स ट्रीट करोगे, यानी कि यहां से आप वाई की वैल्यू सॉल्व करोगे एंड इफ यू सॉल्व वाई वैल्यू देन दिस इक्वेशन रिजल्ट एज 40 डिवाइड बाई 18 ऑफ एक्स माइनस 214 डिवाइड बाई 18, राइट। सो उसके बाद अब अगर मैं आपको बोलूं क्या आपने इक्वेशन सही लेट करी है तो इसको कैसे हम चेक कर सकते हैं, तो इसको चेक करने का तरीका होता है दिस इज बी एक्स वाई जो कि हमारा हो गया 10/8 एंड दिस इज बेसिकली व्हाट, दिस इज बेसिकली बी वाई एक्स, राइट। और हम लोगों ने पढ़ा था कि अगर हम इन दोनों रिग्रेशन कोफिशिएंट की मल्टीप्लाई करके अंडर रूट करें यानी कि कोरिलेशन कोफिशिएंट कैलकुलेट करें सो दिस कोरिलेशन कोफिशिएंट इज ऑलवेज लेस देन 1, राइट। तो यहाँ पे आप खुद ब खुद चेक कर सकते हैं कि अगर आप इन दोनों वैल्यूज की मल्टीप्लाई करेंगे दैट इज 10/8 मल्टीप्लाई बाय 14/18 और फिर हम उस आंसर का अंडर रूट करें तो आप चेक कर सकते हैं आपको वैल्यू लेस देन 1 नहीं मिलेगी, दैट मींस हमने जो इक्वेशन लेट करी ये इक्वेशन गलत है, राइट। सो हम अपने अजम्पशंस को चेंज करेंगे एंड लेट दिस गिवन फर्स्ट इक्वेशन इज y on x, अभी हमने क्या माना था, अभी हमने x on y माना था, अब मैं इसे कहता हूं ये इक्वेशन है मेरी y on x, यानी कि y की जो वैल्यू मैं यहां से सॉल्व करूं दिस बिकम 8/10 यानी कि 0.8x और प्लस 66/8, राइट। एंड द सेकेंड इक्वेशन ये मुझे x on y लेनी पड़ेगी सो दिस x इज इक्वल टू 18/40 ऑफ y प्लस 214 बाय दैट इज 40, राइट। सो ये हो गई हमारी सेकेंड इक्वेशन, तो इसके अकॉर्डिंग अगर हम देखें सो व्हाट इज माय रिग्रेशन कोफिशिएंट नाउ, बी वाई एक्स इज इक्वल टू 0.8 और यहां से आपको मिला बी एक्स वाई इज इक्वल टू 18/40 जिसे आप सॉल्व कर सकते हैं तो बेसिकली दिस बिकम 0.45। तो अब अगर मैं इन दोनों की मल्टीप्लाई करूं यानी 0.8 इंटू 0.45 एंड उसका अंडर रूट अगर हम कैलकुलेट करें सो यू विल फाइंड दैट आर इज इक्वल टू 0.6 दैट इज लेस देन 1, यानी कि हमारे ये जो अजम्पशन है जो हमने रिग्रेशन इक्वेशन कंसिडर करी है वो सही है, राइट। सो इस टाइप के क्वेश्चन में हमें खुद से सिलेक्ट करके आपने कोई भी अजम्पशन ले लिया जैसे मैंने आपको दोनों तरीके से करके दिखाया बट रिमेंबर दिस कंडीशन इज यूज टू चेक वेदर योर अजम्पशन इज राइट और रॉन्ग। सो इन दैट सेकेंड केस अगर हमने इसको y on x लेट किया और इसको x on y लेट किया नाउ अवर रिग्रेशन कोफिशिएंट इज राइट दैट इज लेस देन 1 और यही आपके पार्ट नंबर सी का भी आंसर है दैट इज व्हाट इज द कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन बिटवीन x एंड y। नाउ व्हाट इज द सेकेंड पार्ट रिजल्ट, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ y। सो स्टैंडर्ड डेविएशन कैसे कैलकुलेट करूं, स्टैंडर्ड डेविएशन के लिए मुझे पता है व्हाट इज द फॉर्मूला, हमने पढ़ा था कि बी वाई एक्स और कोरिलेशन में रिलेशन होता है कि r इंटू सिग्मा y अपॉन सिग्मा x, राइट। तो बी वाई एक्स इज इक्वल टू आर इंटू सिग्मा वाई बाय सिग्मा एक्स। अब यहाँ पे मुझे बी वाई एक्स पता है डेट इज व्हाट, डेट इज 0.8, आर मुझे पता है डेट इज 0.6, सिग्मा वाई कैलकुलेट करना है आई नीड टू स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ वाई एंड व्हाट इज सिग्मा एक्स, सिग्मा एक्स हमें क्वेश्चन में पहले ही गिवन था जो हमने लिखा था वेरियंस गिवन है तो यहीं से क्या होगा सिग्मा एक्स इज इक्वल टू 3। सो ऑल वैल्यूज मुझे इस फॉर्मूले पता चल गई, जस्ट पुट द वैल्यू एंड चेक कि आपको सिग्मा वाई की जो वैल्यू आती है दैट इज इक्वल टू 4, ये वैल्यू आपको मिलेगी फ्रॉम दिस फॉर्मूला। सो विद दिस क्वेश्चन अब आपके जितने भी टाइप यहाँ पे बनते हैं रिग्रेशन क्वेश्चन बेस्ड जितने भी कॉन्सेप्ट यहाँ पे हैं वो मैंने आपको दिखा दिए, अब बाकी क्वेश्चंस की प्रैक्टिस आप ही के ऊपर है। सो विद दिस मैं ये कहूंगा हमारे लेक्चर ओवर, रिग्रेशन लीनियर रिग्रेशन बेसिकली ओवर हुआ है बट एक लास्ट लेक्चर में और इस टॉपिक पे आपके सामने लाने वाला हूं दैट इज व्हाट, दैट इज बेस्ड ऑन नॉन लीनियर रिग्रेशन एंड मल्टीपल लीनियर रिग्रेशन और इस पे बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है, मोस्ट ऑफ द टाइम क्वेश्चन बनता ही बनता है। सो उस लास्ट लेक्चर को रिग्रेशन के टॉपिक को जरूर से जरूर पढ़ें। सो बने रहिए मेरे साथ, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, थैंक यू।